हैं नेक्स्ट मॉर्निंग, और आज भी झमाझम बारिश हो रही है। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाबा केदारनाथ मंदिर की ओर दर्शन करने के लिए। बारिश पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही है, एक सेकंड के लिए भी बारिश रुकी नहीं है, और बावजूद उसके मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। चलिए मंदिर की ओर चल रहे हैं, काफ़ी लोग दर्शन करके वापस नीचे की ओर जा रहे हैं, और यहाँ लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि आप दर्शन करके नीचे गौरीकुंड की ओर निकल जाइए। कैसा एक्सपीरियंस है अब तक? बहुत बेहतरीन एक्सपीरियंस है, मज़ा आ रहा है, लगा कठिनाइयाँ हैं लेकिन फिर भी ओवरऑल सब बेहतर। बारिश तो कल सुबह से रुकी नहीं है, अनाउंसमेंट भी हो गया है कि जो लोग केदारनाथ धाम में मौजूद हैं वो दर्शन करके नीचे चले जाए, कर रहे हैं कोई कोशिश करते हैं हम लोग, आ जाओ वहाँ के दर्शन आपको कराएंगे। देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पे, ये लाइन लगी हुई है यहाँ पे, और ये ऐसे 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 लाइन होकर मंदिर तक जाएगी। बॉल बम 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 बॉल बम 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 माता पार्वती की जय। मंदिर के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ है इस वक्त। आप देख सकते हैं कि मंदिर के पास कितनी बड़ी लाइन लग चुकी है दर्शन करने के लिए, जबकि बहुत तेज इस वक्त बारिश भी हो रही है। शायद वीडियो में आप नहीं देख पा रहे होंगे लेकिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ 18 अक्टूबर 2021 की, और आज यहाँ पर करीब 8000 के आसपास श्रद्धालु मौजूद है। 17 और 18 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। जबरदस्त बारिश हो रही है, एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय बाबा केदारनाथ जरूर लिखिएगा। आज हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा केदारनाथ के इस खूबसूरत मंदिर में। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है लेकिन बारिश के बावजूद भी लोगों में उत्साह कम नहीं हुआ है दर्शन करने के लिए। चलिए मंदिर के पास से आपको नज़ारे दिखाते हैं, खूबसूरत मंदिर दिखाते हैं आपको। पंडित पुजारी सब छाता लेके खड़े हुए हैं, लोगों ने रेन सूट पहने हुए हैं, कुछ लोग ऐसे ही भीग रहे हैं। और हम पिछले 24 घंटे से भीगे हुए हैं, बारिश एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकी। और ये खूबसूरत मंदिर देखिए आप केदारनाथ धाम का, चलिए और करीब से दिखाते हैं आपको। यहाँ मौजूद है नंदी महाराज की प्रतिमा और सामने बाबा केदारनाथ का विशाल और खूबसूरत मंदिर। जय बाबा केदारनाथ। चलिए चलते हैं वापस लाइन में, क्योंकि थोड़ी देर में हमारा नंबर आ जाएगा दर्शन करने के लिए।
बहुत अद्भुत नज़ारा है ये। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों में से कितने लोगों ने साल 2021 में बाबा केदारनाथ धाम यात्रा की है, या कभी भी किसी भी साल में अगर आपने यात्रा की है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। हमारा इस साल का एक्सपीरियंस तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस रहा, बहुत ज़्यादा बारिश का हम लोग सामना कर रहे हैं। धन्यवाद। कहाँ से आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। कुल मिलाकर जो जितनी कठिन परिस्थिति रही फिर लेकिन मज़ा पूरा है। भगवान के दर्शन करने आ रहे हैं केदारनाथ घाटी में, और बारिश अपने तेज होगी बारिश। कैसे रहा? बहुत बढ़िया दर्शन हुए हैं बाबा के, बेहतरीन, बहुत अच्छे दर्शन हुए। गर्भगृह में प्रवेश मिला, बहुत अच्छे से दर्शन हुए, सब कुछ बहुत बढ़िया, वेदर भी बढ़िया, बारिश में दर्शन करने का एक अलग मजा है। और अभी जैसे मंदिर से बाहर आए हैं तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई है, बहुत तेज हो गई है बारिश। चलिए अभी जी को शूज वगैरह पहन लेते हैं, दिखाते हैं आपको मंदिर को। प्रसाद तो दे दिया, मंदिर में तो बहुत अच्छे दर्शन हो चुके हैं। अभी हम मंदिर के पीछे की ओर जा रहे हैं। पीछे जो आप वो एक पत्थर देख रहे हैं ना, वही भीमशिला है, जिसके बारे में आप जानते होंगे। 2013 की आपदा में मंदिर को उसी पत्थर ने बचाया था। ये अमृत कुंड, क्या है ये? अमृत कुंड जो जल बाबा केदारनाथ की कुंडी पे चढ़ता है वही नीचे आता है अमृत कुंड। ये अमृत कुंड यहाँ से जल ले सकते हैं। एक मन हो रहा है कि भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी चले जाएं, लेकिन बारिश बहुत तेज है और लगातार यहाँ अनाउंसमेंट हो रहा है कि सभी श्रद्धालु दर्शन करके नीचे की ओर चले जाएं। अभी देखते हैं कि क्या डिसीजन लेते हैं दोस्त लोग, उसके अकॉर्डिंग आगे क्या करना है वो आपको इस एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल हम मंदिर के ठीक पीछे मौजूद हैं और सामने ये है अमृत कुंड। बाबा केदारनाथ की ये यात्रा बहुत शानदार रही, काफ़ी स्ट्रगल भी रहा, काफ़ी एक्सपेंसिव भी रही, लेकिन बहुत खूबसूरत ये यात्रा रही। ये है भैरव बाबा मंदिर जाने के लिए रास्ता, भैरव मंदिर जाने के लिए रास्ता। फिलहाल हम लोग भैरव मंदिर तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि बारिश इस वक्त बहुत तेज हो रही है, लेकिन आप ये खूबसूरत नज़ारे ज़रूर देखिए। ऐसे नज़ारे बाबा केदारनाथ धाम में बार बार देखने के लिए नहीं मिलते हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। बहुत तेज बारिश हो रही है, बहुत तेज अनाउंसमेंट हो रहा है बार बार, जो लोग केदार घाटी में मौजूद है वो लोग नीचे उतर रहे हैं। अभी ना बीचते बीचते वापस रूम पे जा रहे हैं और बारिश क्या बताएं कितना तेज है, मुझे नहा लिया इस बार। दर्शन हमारे हो गए हैं, वापस हम होटल की ओर जा रहे हैं, वहाँ से बैग वगैरह हम लेंगे और नीचे की ओर अपना ट्रैक शुरू करेंगे।
अब देखने वाली बात यह है कि हम लोग पैदल जाते हैं या घोड़े से जाते हैं। हेलीकॉप्टर सेवा तो बंद कर दी गई है, कल से ही हेलीकॉप्टर सेवा बंद है क्योंकि वेदर बहुत ख़राब है। सामने आप देख भी रहे होंगे कि कितने ज़्यादा बादल इस वक्त हो रखे हैं। फ़ोन की कनेक्टिविटी भी इस वक्त उतनी अच्छी काम यहाँ पर नहीं कर रही है, और खच्चर के बारे में भी देखना होगा कि इस वक्त अवेलेबल हो पाते हैं या नहीं। जो भी होगा आपको आगे दिखाएंगे। ये हमारे होटल के सामने से नज़ारा। हम लोग रेनकोट भी लेने गए थे, रेनकोट मिले लेकिन वो साइज में इतने छोटे थे कि हमें वो वापस करने पड़ते। अब जो भी होगा देखते हैं। देखो जी बाहर जैसे हालात हो चुके हैं यहाँ पे, देख रहे हो जहाँ हम लोग चल रहे हैं। हमारे हालात देखो कितने बढ़िया हम लोग लग रहे हैं। एक पन्नी मिली है बड़ी सी, उसी को ओढ़ ओढ़ के चल रहे हैं। फिलहाल देखो ये रास्ते, ये ट्रैकिंग रूट, अब मंदाकिनी नदी पूरे विकराल रूप में मंदाकिनी नदी चल रही है। अभी यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं है, इसलिए भी हम जा रहे हैं। यह केदारनाथ धाम में मौजूद एक झील, देखो कितना पानी भर गया इसमें। इतना पानी थोड़ी था कल, इतना पानी था लेकिन इतना नहीं था, लेकिन अभी यहाँ झील में बहुत पानी है तो मज़ा आ रहा है। ये सब बर्फ थोड़ी ना थी सामने कल, तेरी जैकेट भीग जाएगी, तू आ जा अंदर। तो अभी हम ना चाय पीने के लिए रुके हैं, हम खच्चर स्टैंड पर पहुंच चुके हैं केदारनाथ में, और चाय पराठे का कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट थोड़ा हो जाएगा, उसके बाद पैदल चलेंगे। और वापस जाने के लिए ना खच्चर मिलने भी बहुत मुश्किल है क्योंकि बारिश में ही लोग चलते नहीं हैं। देखते क्या क्या होगा, फिलहाल तो हम यहाँ चाय पी रहे हैं। और कुछ बताओगे? क्या बता रहे हैं, यात्रा तो हो गई। जब तक रेस्ट्रिक्शन थे तब तक नहीं आ रहे थे, तब ये तसल्ली थी चलो मौका ही नहीं मिल रहा। अब मौका भी मिला तो अपने मन की थी, लेकिन पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। दर्शन अच्छे हुए? दर्शन बहुत अच्छे हुए, लेकिन ये था कि केदारनाथ मंदिर के बाहर 2-4 घंटे स्पेंड करें, इधर उधर घूमें, देखें नेचुरल नज़ारे यहाँ के, लेकिन वो नहीं हो पाई। लाइन लगी हुई है गौरीकुंड से सोनप्रयाग जाने वाले। इस वक्त हम मौजूद हैं गौरीकुंड में, और ये गौरीकुंड में लाइन लगी हुई है टैक्सी के लिए, जो टैक्सी हमें गौरीकुंड से सोनप्रयाग ड्रॉप करेगी। रास्ते में हमारे साथ क्या हुआ वो सारी बातें मैं आपको आगे बताऊँगा। ये है जी सोनप्रयाग, अभी हम सोनप्रयाग पहुँच गए हैं टैक्सी से, और फिलहाल तो पूरा खाली हो गया है क्योंकि यात्रा कर दी गई है बंद। और ये वो लोग हैं जो आ रहे हैं गौरीकुंड से टैक्सी के थ्रू, हम भी उसी से आए हैं। और ये है सोनप्रयाग के नज़ारे। अभी हमारी गाड़ी यहाँ से 2 किलोमीटर आगे सीतापुर के पास रोड पर ही पार्किंग में लगी हुई है, वहाँ जाएंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। गौरीकुंड से टैक्सी के थ्रू सोनप्रयाग हम लोग आ गए थे, और सोनप्रयाग से 2-3 किलोमीटर पैदल चल के अपनी गाड़ी तक पहुँचे। वहाँ से हमने अपनी गाड़ी उठाई और अब आगे बढ़ रहे हैं। बारिश इस वक्त भी नहीं बंद हुई है, लगातार बारिश हो रही है। अब देखने वाली बात ये है कि आगे हमें रास्ते कैसे मिलेंगे, क्योंकि सोनप्रयाग में लोग बता रहे थे कि आगे के रास्ते डैमेज हो चुके हैं। अभी प्लान ये है कि जितना ज़्यादा हम आगे निकल जाएं उतना बेस्ट होगा, और कहीं पर नाइट स्टे करेंगे क्योंकि पिछले 2 दिन से हम पूरी तरह से भीगे हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा सड़कें भी डैमेज हो चुकी हैं, जगह जगह पहाड़ों पर लैंडस्लाइड हो चुकी है, रोड डैमेज हो चुका है। हमारा प्लान है कि हम केदारनाथ यात्रा के बाद बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए जाएंगे, लेकिन आने वाले 2-3 दिनों तक के लिए यात्रा, चारों धाम की यात्रा बंद कर दी गई है। तो अभी हमें देखना होगा कि हम बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री जाते हैं, या सीधे घर आते हैं, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल
हम सीतापुर से आगे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि ये रास्ता और ये जगह अभी सेफ नहीं है। सोनप्रयाग में भी हमसे यही बोला गया था कि आप जितना जल्दी हो सके नीचे की ओर ऋषिकेश की ओर निकल जाइए। इस वक्त हम रामपुर के आसपास मौजूद हैं। दोस्तों को भी बात कर रहे थे कि क्यों ना वहीं पर रुक जाएं जहां हम एक दिन पहले रुके थे जब केदारनाथ यात्रा के लिए हम लोग आ रहे थे। तो सोनप्रयाग से पहले जिस होटल में हम रुके थे बड़ासू गांव में वहीं रुका जाए। एक मन हो रहा है कि गुप्तकाशी चले जाएं, एक मन है कि रुद्रप्रयाग पहुंच जाएं। तो बहुत कन्फ्यूजन हो गया है, बहुत इस वक्त पूरी तरह से थके हुए हैं और भीगे हुए हैं, कपड़े सारे भीगे हुए हैं। तो बस मन हो रहा है कि होटल मिल जाए, कपड़े चेंज कर लें, फ्रेश हो जाए। रोड देखिए आप, जगह जगह जहाँ तहाँ पानी भरा हुआ है, रोड जगह जगह से डैमेज हो चुका है। और ये सारे रास्ते हमें ऋषिकेश तक ऐसे ही मिलेंगे, हो सकता है कहीं पे इससे भी ज़्यादा खतरनाक रोड हो चुके हों, वो आपको हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल यहाँ से गुप्तकाशी करीब 21 किलोमीटर के आसपास रह गया है और फाटा यहाँ से रह गया है करीब 8 किलोमीटर के आसपास। तो देखते हैं कहाँ रुकते हैं आज। बारिश तो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, कल सुबह से एक सेकंड के लिए भी बारिश नहीं रुकी है। और यहाँ देखिए कितना ज़्यादा बादल है रोड पे, फोग छाया हुआ है पूरी तरह से। इस तरह का ये रोड नहीं था, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं था, लेकिन दो दिन से जो लगातार बारिश हो रही है ना उससे जो रोड बचा हुआ था वो भी डैमेज हो चुका है। और जगह जगह पहाड़ों से पत्थर टूट टूट कर रोड पर गिरे हुए हैं और ऐसे मौसम में ऐसे रोड पर ड्राइविंग करना भी काफ़ी रिस्की हो जाता है। फिलहाल हम बड़ासू गांव पहुंच चुके हैं, वो सामने वही होटल है जहां हमने नाइट स्टे किया था। यहीं रुकते हैं और होटल में मालूम करते हैं और हो सका तो आज का रात का स्टे इसी होटल में करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि हमारे साथ केदारनाथ में क्या हुआ, हम कैसे नीचे आए। तो भैया बात ऐसी है, हम लोग निकल गए थे केदारनाथ से घोड़े से ही, हम लोगों ने ट्रैकिंग की क्योंकि बहुत तेज़ बारिश थी, पैदल चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पूरी तरह से भीगे हुए थे। अब जो ये व्यू देख रहे हो ना, ये है बड़ासू गांव का, जहाँ तक हम लोग आके रुक गए हैं। वीडियो में इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि कैमरा वगैरह सब की बैटरी डाउन हो गई, मोबाइल वगैरह सब डाउन हो गए, बारिश इतनी तेज़ थी कि सबको बैग में रख दिया, वैसे सब चीज़ भीग गई हैं। अब वैसे GoPro तो वाटरप्रूफ होता ही है, वो तो ठीक है, लेकिन बैटरी वगैरह सब डाउन। ये हमने लिया है यहाँ पे होटल में रूम, नीचे उधर खड़ी हुई है हमारी गाड़ी। रात का स्टे यहीं पे करेंगे और कल सुबह निकलेंगे आगे, देखेंगे रास्ते वगैरह कैसे मिलते हैं आगे की, क्योंकि बता रहे हैं कि लैंडस्लाइड वगैरह हो रही है लगातार। डिनर करने आए हैं, बड़ासू गांव में रुके हुए हैं और बारिश कल से लगातार है। कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है। वैसे बारिश की बात हो तो कल सुबह से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है और अभी तक बंद नहीं हुई है। और कल का प्लान हमारा है कि हम लोग यहां से निकलेंगे और बाकी वेदर पर डिपेंड करेगा और रोड कंडीशन पे कहाँ तक पहुँचते हैं वो सब अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद दोबारा आपको बताते रहेंगे जो भी। भैया का भी प्रमोशन कर दो। गंगा कौन सा होटल है आपका? गेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस। हाँ, बड़ासू गांव में गंगा गेस्ट हाउस में रुके हुए हैं। ना सोनप्रयाग रुकना है, सर्विस अच्छी है, बहुत अच्छी सर्विस है। सोनप्रयाग से करीब 8 किलोमीटर पहले है, तो अगर आप सोनप्रयाग में स्टे नहीं कर रहे हैं, सीतापुर में स्टे नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर रुकिए बड़ासू में। देखो कुल मिलाकर अगर भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं, डिनर में उगाया हमने एक पनीर की सब्जी, एक आलू टमाटर, एक दाल, रोटियां, सलाद और चावल भी आएंगे। अभी डिनर कर रहे हैं हम लोग। तो जी कैसा लग रहा है डिनर? बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया है, जब भी आप लोग बढ़िया है, जबरदस्त। अभी सबसे बढ़िया तो मुझे इनकी सुविधा लगी, रूम उधर है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हमारे ढाबे के ओनर सामने खड़े हैं,
डिनर एंजॉय करते हैं, उसके बाद दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। ये अपना नंबर दे देगा। तो इस एपिसोड को यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में आपको आगे की जर्नी दिखाएंगे, आगे हम कहाँ जाएंगे प्री डिसाइडेड नहीं है। मन है कि बद्रीनाथ धाम चले जाएं, क्योंकि बताया जा रहा है कि बद्रीनाथ धाम श्रद्धालु अभी जा रहे हैं, यात्रा केदारनाथ की ही रोकी गई है। तो जो भी होगा नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइव अपडेट हमारी देखते रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करिए। अभी के लिए बाय। हर हर महादेव। जय बाबा केदारनाथ।